ऑलराइट आज हमारे साथ कुणाल है जो आईआईटी गुवाहाटी से अपना एमटेक कर रहे हैं और हाल ही में ही अभी 5 फरवरी को सीएससी का पेपर ख़त्म हुआ है। तो जिस किसी का भी पेपर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं और सीएससी में गेट देने से कितने रैंक तक आप सेफ़ हो, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कुणाल, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ तुम्हें अपने इस वीडियो में, और अपने बारे में बताओ कि तुम किस कॉलेज से आए हो, तुम्हारा बीटेक का कौन सा टायर का कॉलेज था, तुम गवर्नमेंट कॉलेज से आए हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से आए हो, तुम्हारा गेट में क्या रैंक रहा है और तुम एमटेक किस में कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारा क्या पैकेज, मतलब कौन से कंपनी में प्लेस्ड हुए हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रतीक मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं करेंटली एमटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आईआईटी गुवाहाटी से। मैंने मेरे बीटेक की थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती से इन द ईयर 2019। एंड मैंने गेट कंप्यूटर साइंस 2020 दिया था, एक साल का ड्रॉप लेके, एंड आई हैव अचीव्ड द रैंक ऑफ 460 इन दैट। एंड करेंटली मैं हमारे यहाँ प्लेसमेंट सीजन में मैं इनका ऑन कैंपस ओला इलेक्ट्रिक में प्लेस हुआ हूँ, एंड दैट इज इट। और तुमने गेट कितने बार दिया है, तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट में शायद से गेट एग्जाम में रैंक आया ना? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 2019 मेरे फोर्थ ईयर में ही दिया था, बट उस टाइम पे इतनी प्रिपरेशन किया भी नहीं था एंड इतना डेडिकेटेड भी नहीं था। सो सेकेंड टाइम मेरी टीसीएस की ज्वाइनिंग आने तक के मैं वेट कर रहा था घर पे, मतलब मेरे ओल्ड रैंक के बेसिस पे मैं अप्लाई कर रहा था दूसरे कॉलेजेस में, बट अच्छे कॉलेजेस मिल नहीं रहे थे। सो इसलिए मैं सोचा कि यार 20 जून के अराउंड कि यार एक और ट्राई मारते हैं, क्योंकि जेई के टाइम पे भी आई नेवर गेव अ सेकेंड चांस टू इट। सो मैं सोचा कि यार एक और ट्राई करते हैं, एंड देन मैंने एस अकेडमी ज्वाइन किया था 24 जून को, विच वॉज द लास्ट बैच। सो आखिरी बैच में ज्वाइन किया था एंड 3-4 महीने का उनका कोर्स था, एंड देन 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद मैंने 8 फेब को गेट लिखा, एंड देन मिड मार्च में रिजल्ट आ गया था। इट वॉज 460 रैंक, सो ऑल वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुझे ये भी जानना है तुमसे कि अगर किसी का गेट का पेपर अच्छा ना जाए, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है 5 फरवरी को, अभी कल ही पेपर है, तो मैक्सिमम लोग का तो अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, पर कितने अपॉर्चुनिटीज़ है सीएससी में और कितने कॉलेजेस में आप एक अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताओ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 7 आईआईटीज तो डेफिनेटली गुड ही है, जो कि बात करें अगर मतलब जनरल कैटेगरी की, तो फिर 350 400 450 रैंक तक के इजीली मिल जाते हैं। एंड तो अगर टॉप 7 आईआईटीज या टॉप 8 आईआईटीज नहीं मिलते हैं, देन वी हैव टॉप 3 एनआईटीज विच आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, विच आर इक्विवेलेंट टू टॉप 7 आईआईटीज। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट इन सीएससी स्पेशली मैं बोलूंगा कि टॉप 7 एनआईटीज भी अच्छे है, डीएनआईटी तक अगर ले गए तो उनमें भी प्लेसमेंट्स काफी अच्छे होते हैं। बस ये होता है कि तुम्हारे कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, एंड तुम एक्सप्लेन अच्छा कर पाओ। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जिनकी नाम लिया, उनमें मोस्ट ऑफ देम 90% अबव प्लेसमेंट्स ही होते हैं, एंड प्लेसमेंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो मतलब एड ऑन, टॉप 3 IIITs भी बहुत अच्छे हैं, जैसे IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर एंड IIIT अलाहाबाद। सो ऐसा है कि IIIT बैंगलोर एंड IIIT अलाहाबाद तो गेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, बट IIIT हैदराबाद की एक अलग एग्जाम होती है PGEE करके, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, एंड दैट एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, एंड जिसके फॉर्म्स भी मतलब इवन गेट के रिजल्ट्स के बाद भी ओपन होते हैं ताकि तुम दे सको। तुम बता सकते हो कि अगर किसी को अगर IIIT हैदराबाद के लिए अटेम्प्ट देना है, तो वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरह से यूज़ कर सकता है IIIT हैदराबाद क्रैक करने के लिए? सो मैंने क्या किया था, मैं ये बताता हूँ। और तुमने क्रैक भी किया है ना, सबसे पहले वो बता दो। सो मैंने भी IIIT हैदराबाद की एग्जाम दिया था एंड मुझे एडमिशन भी मिल गई थी, एंड देन लेटर ऑन आई गॉट IIT गुवाहाटी, सो आई वेंट टू IIT गुवाहाटी। सो बात ये हुई थी कि मतलब गेट के टाइम पे मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सो वो शॉर्ट नोट्स को मैं कंटिन्यूअसली रिवाइज करता गया 2 मंथ्स तक, क्योंकि आई नीड टू हैव वन बेटर ऑप्शन कि 460 रैंक है, आई वाज ऑन द बॉर्डर लाइन कि यार IIT मिलेगा या NIT मिलेगा। आई थॉट दैट IIIT हैदराबाद इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी, सो उसके लिए मैंने जो शॉर्ट नोट्स थे वो रिवाइज किए थे,
और एक अच्छी बात यह है कि उसमें टीओसी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है सिलेबस में, सो यू कैन स्किप दैट। एंड ऑल्सो जो लोग एप्टीट्यूड में अच्छे हैं तो उनके लिए भी फायदा होता है। तो अब ये कैसे मतलब, सो उसका एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है कि 95 क्वेश्चंस होता है टोटल, 45 आर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस आर सीएस फंडामेंटल्स। सो मैंने जितना सुना है, मतलब मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि ईयर टू ईयर पेपर वेरी डिपेंड करता है कि कैसा एप्टीट्यूड पार्ट आएगा। मोस्टली मतलब एप्टीट्यूड जो होता है वो मॉडरेट लेवल का आता है IIIT हैदराबाद के एग्जाम में। एंड ईयर 2019 में मैंने जब दिया था तो उस टाइम पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, बट 2020 में मुझे वो इजी टू मॉडरेट लगा था। एंड सीएस फंडामेंटल्स जो पार्ट होता है 50 क्वेश्चंस का, दैट इज मॉडरेट लेवल, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल एवरी टाइम। मतलब इवन फर्स्ट टाइम भी दिया था तो वही लेवल था, एंड सेकेंड टाइम भी, विच इज इक्विवेलेंट टू, वी कैन से दैट गेट के 1 मार्क के क्वेश्चंस एंड थोड़े बहुत 2 मार्क्स के क्वेश्चन के इक्विवेलेंट होता है। मतलब गेट जितना सो दैट इज, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा। हाँ राइट राइट। और कितने घंटे का पेपर होता है IIIT हैदराबाद का, याद आ रहा है क्या? नहीं आ ये तो रहा याद नहीं, है। पर आज इनाफ टाइम नहीं मिलता है क्या याद हर क्वेश्चन के लिए? क्योंकि जैसे इसरो में देखा जाए, इसरो में तो बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ती है, वैसा तो नहीं है ना IIIT हैदराबाद के केस में। हाँ नहीं, IIIT हैदराबाद का ऐसा नहीं है। उसमें टाइम काफी मिलता है और सेक्शन वाइज कट ऑफ्स रहते हैं उसमें। जैसे एप्टीट्यूड के लिए तुम्हें 1.5 घंटा मिलेगा, एंड देन सीएस फंडामेंटल्स के लिए 1.5 घंटा, ऐसे टाइप्स ही रहेगा तुम्हें कि हाँ सेक्शन वाइज ही देना पड़ता है तुम्हें। ऐसे नहीं कर सकते हो कि 3 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा एप्टी एंड 2 घंटा सीएस ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। और तुम ये भी बताओ कि अगर कोई CSE में M.Tech करेगा और अगर सिर्फ कोई एक B.Tech ही रह जाएगा, मतलब ये B.Tech जो मैं बोल रहा हूँ वो Tier 1 कॉलेज का B.Tech नहीं बोल रहा हूँ, CSE में जो Tier 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए सिर्फ विप्रो या फिर TCS जैसे कंपनीज आते हैं, वो भी बहुत कम पैकेजेस के साथ, तो उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर वो M.Tech करने ट्राई करेंगे या फिर गेट एग्ज़ाम देने ट्राई करेंगे? वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिस करेंगे अगर वो गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से? तो मेनली कंप्यूटर साइंस में गेट वही लोग देते हैं जिनको, मतलब जो मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं प्लेसमेंट्स में, जो मतलब 90% जनता वही होती है जिनका प्लेसमेंट्स इंटरेस्ट होता है। सो एज वी नो कि सारे IITs में ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट्स होता है, राइट? सो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक गॉन फॉर दैट कि चलो प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा IITs में या NITs में। एंड एवरेज पैकेजेस भी अराउंड मोर देन 20 LPA होते हैं। जैसे IIT गुवाहाटी का M.Tech CSE में एवरेज पैकेज अराउंड 25 LPA है। सो इट इज ऑल्सो गुड। सो दैट इज वन ऑफ द मोटिवेशन कि यार M.Tech करना चाहिए। डायरेक्ट द जंप मिल सेकेंड रहा है, थिंग कि यार, डायरेक्ट जंप मिल या रहा है सो 4 लाख से। इवन, राइट राइट राइट, सो डायरेक्ट 4 लाख से 25 लाख पे जंप हो जाती है। एंड और एक दूसरी बात कि तुम्हें एक एडिशनल डिग्री भी मिल जाती है। सपोज यू आर ओनली अंडर ग्रेजुएट, सो यू ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ बींग अ पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑल्सो। इट मे ऑल्सो अफेक्ट ऑन योर प्रमोशन इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। और टीचर्स कैसे सो होते हैं, तुम्हें ये फीलिंग कैसे मिली जब भी तुम एक IITian बनती हो, तुम्हें कैसा फील होता है? सो टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब टीचर्स आर रियली गुड। उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। ऐसा बस ये होता है कि हमें उनको जाके पूछना पड़ता है कि सर क्या है, एंड देन दे टेल अस इन वेरी डिटेल। जितना मतलब समझ भी नहीं पाओगे उतना डिटेल में चले जा सकते हैं सर, अगर पूछने जाए तो। प्रोफेसर्स आर अलॉट एंड उनका रिसर्च में भी इंटरेस्ट है। दे कैन ऑल्सो टीच यू इंडस्ट्रियल, एंड ऑल्सो देर आर फ्यू टीचर्स हु आर लाइक हु कैन ऑल्सो लाइक टेल यू अबाउट योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि यार तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी हेल्पफुल। एंड यार फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है कि यार कैंपस में इतना मस्त कैंपस है, सुंदर कैंपस है IIT गुवाहाटी का। सो फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है, घूमने को मिलता है, दोस्त रहते हैं। एंड बेस्ट कैंप, मतलब Tier 3 के कंपैरिजन में तो बेस्ट कैंपस लाइफ मैं बोलूंगा कि IITs में ही होती है। और तुम कुछ सजेशन देना चाहोगे गेट CSE वालों को जो भी अभी गेट एग्ज़ाम ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर? क्योंकि तुमने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम्हारा इतना अच्छा रैंक नहीं रहा था, तो तुमने और एक अटैम्प्ट के बारे में सोचा, तो राइट तुम क्या राइट। सजेशन दोगे कि क्यों देना चाहिए अगर आपका रैंक नहीं आ पाया? तो यार फर्स्ट चीज मैं ये बोलूंगा कि मतलब कुछ एम होना चाहिए कि यार क्या
क्या करना है लाइफ में। सो फर्स्ट थिंग कि यार मुझे तो ऐसा था कि यार आईआईटी में एक बार प्रोफेसर से मिलना है, उनसे पढ़ना है। इवन दो मुझे IIIT हैदराबाद मिल गया था, बट यार क्रेज अलग थी कि आईआईटी में जाना है एंड देन वो प्रोफेसर से मिलके वी शुड इंटरेक्ट, कैंपस भी इतना अच्छा है। एंड उन एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि फोकस बनाए रखो, डीमोटिवेट मत हो टेस्ट के मार्क्स से। एंड तीसरी बात कि एंड टाइम जो प्रेशर बनता है एग्जाम में वो कभी मत आने दो। मैं तो बोलूँगा कि जो मेरा जेई का एक्सपीरियंस था ना, उसमें प्रेशर की वजह से बहुत गड़बड़ हुए, जो मार्क्स बहुत कम आ जाते थे। सो सेकेंड टाइम व्हेन आई वाज गिविंग गेट, मैंने लिटरली ऐसा सोच लिया था कि यार अगर ये नहीं हो गेट नहीं होगा तो मैं कुछ और ऑप्शन देख लूंगा, बट आई डोंट हैव टू प्रेशर टेक प्रेशर। सो प्रेशर बिल्कुल मत लो कि यार होगा नहीं होगा, रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचो, फोकस बनाए रखो बस। और टेस्ट के मार्क्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स कभी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और बहुत कम आ गए तो अंडर कॉन्फिडेंट। और मेरे सो हिसाब से ये पर चीज़ें टेस्ट सीरीज़ हैं। जिसको भी प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो टेस्ट सीरीज़ उसे ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट वो फील कर पाए कि वो टाइमर कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेगा, क्योंकि मेजोरिटी लोग एग्ज़ाम क्या वो इंटरफेस ही नहीं समझ पाते कि अभी मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, तो उसे यूज़ टू होना ज़रूरी है। और अन क्या बोलते हैं, आइडियल एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए टेस्ट सीरीज़ का, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि तुम साइबर में भी जाके दे सकते हो। मतलब जिसको भी ये सारी चीज़ हर चीज़ के लिए मेरे हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए गेट एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम सब चीज़ देखेगा उस टाइम। तो हाँ, सही बात है। थैंक यू कुणाल, सो और क्या बताओगे, बताओ क्या या बोल रहे थे। मैं बस ये बोलना चाहता था कि मतलब टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत सारे देना, जैसे आपने बोला राइट, कि मैंने अराउंड 60+ टेस्ट सीरीज दिए थे। एंड जिससे मुझे फुल फील आ गया था कि यार एक्चुअल एग्जाम में भी मुझे ऐसे ही लगा था कि यार मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ करके। सो एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि यार टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा दो, मार्क्स से खुद को जज मत करो, हाँ तुम्हारी लेवल बहुत ज्यादा है। और मिस्टेक्स रिपीट मत करो किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, तुम्हारा या लेवल इम्प्रूव होते ही जा रहा हाँ, है। राइट 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 राइट। तो एक चीज बताऊंगा और, कि मैंने क्या किया था कि जो टेस्ट सीरीज जो में जो मिस्टेक्स होते थे उसके लिए एक अलग मिस्टेक्स की नोटबुक बना हाँ कर रखी थी कि यार ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। सो मैं उसको जैसे टेस्ट सीरीज में 2 बजे चालू करता था तो 1 बजे से मैं वो पढ़ लेता था एक बार मिस्टेक्स की नोटबुक, कि यार मैंने क्या क्या गलती किया था एंड वो सब रिपीट नहीं होनी चाहिए इस टेस्ट में। सो उससे मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था एंड मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा जूनियर्स को। सो थैंक यू कुणाल हमारे इस चैनल पे आने के लिए, तुम्हारा ये वीडियो बहुत लोग के लिए हेल्पफुल होगा, इवन जो गेट एग्ज़ाम वापस ट्राई करने वाले हैं, जो अभी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि अभी मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, वो IIIT हैदराबाद में अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से IIIT हैदराबाद में कोडिंग का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने सुना है वहाँ पे कोडिंग क्लब्स भी बहुत हाँ ज़्यादा राइट, अच्छे हैं, ऐसा मैंने लोगों से हाँ सुना है सही जो बात, IIT से पढ़ रहे हैं, उनसे सुना है कि IIIT हैदराबाद में ज़्यादा अच्छा कोडिंग पे फोकस किया जाता है। तो हाँ सही कहा, थैंक होता है यू वो सब। कुणाल आने के लिए, इतना ही रखते हैं वीडियो। सो अगर आप में से भी कोई गेट 2023 के लिए अटेम्प्ट करना चाहता है, अगर आपका गेट का पेपर ख़राब भी हो चुका है, अगर आप CSE बैकग्राउंड से हो, CSE के बेस्ट फैकल्टी इस एकेडमी में पढ़ाते हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका लाइव लेक्चर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैंने भी इस एकेडमी से ही कोचिंग करी थी 1 साल की, और उसके बाद मैंने गेट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रैंक निकाला था। अगर आप भी एक सपना रखते हो IIT में जाने का, अगर आपको बेस्ट एफर्ट चाहिए किसी फैकल्टी का आपके लिए, तो आपको इस एकेडमी लगाना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू, बाय।